हाई एवरी वन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो ये प्लेस जो है, ये इसको आप हिडन प्लेस भी कह सकते हैं और कई लोग इस प्लेस को ऑलरेडी जानते होंगे, बट जिन लोगों को ये जगह नहीं पता, इसको लोग मिनी रॉक गार्डन भी कहते हैं एंड इट्स कला सागर इन सेक्टर 36 चंडीगढ़। और आज मैं यहाँ आई हूँ वीडियो बनाने। दिस प्लेस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्पेशल। अब वो स्पेशल इसलिए है बिकॉज मैं यहाँ बचपन से आ रही हूँ, मेरी बहुत सारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ यहाँ पर हैं। तो जिन्होंने ये प्लेस बनाई है वो मेरे पापा के फ्रेंड हैं, लाइक 30 ईयर्स से फ्रेंड्स हैं। तो मैं यहाँ बचपन से आती हूँ, हमारा कोई भी फेस्टिवल हम लोग यहाँ गेट टुगेदर करते थे, सेलिब्रेट करते थे। तो मेरी बचपन की बहुत सारी यहाँ पिक्स हैं, तो अगर मुझे मिलती हैं तो मैं डेफिनेटली उसको पोस्ट करूँगी, यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूँ। तो यहाँ की बेस्ट बात ये है कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, अंकल उससे कुछ ना कुछ उसको कन्वर्ट करके क्रिएटिव चीज़ें बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी है देखनी। और आप पीछे देख ही रहे होंगे मेरे कि यहाँ पर अंकल बहुत क्रिएटिविटी शो करते हैं। तो अब मैं आपको उनसे मिलाती हूँ जिन्होंने ये सब कुछ यहाँ पे बनाया है एंड वो मेरे अंकल भी हैं। तो चलिए हम उनसे पहले बात करते हैं। तो अंकल हमें सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे, उसके बाद अंकल हमें बताएंगे उन्होंने कब शुरू किया था और ये कैसे शुरू किया। मेरा नाम है विजय पाल गोयल, मैं डायरेक्टर क्रिएटर कला सागर चंडीगढ़। मैंने ये 1998 में बनाना शुरू किया कला सागर, और उससे पहले मैं घर पर बना रहा था 1996 से सैनिटरी वेस्ट से, टूटियाँ बाथरूम की, वाश बेसन, इन सब से बनाता था आर्ट। और फिर मैं 10 में मुझे जगह मिली, स्टेट अवार्ड मिला 1998 में लेजर वैली सेक्टर 10, जहाँ पे मैंने 3 साल के करीब वहाँ पे आर्ट लगा के रखा और ओपन में। सो इन ईयर 2000 अंकल यहाँ शिफ्ट हो गए थे सेक्टर 36 चंडीगढ़ में। कला सागर में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पे देखने को एक अलग से चीज़ मिलेगी और हर एक टूरिस्ट प्लेस में नहीं मिलेगी। हम जो आर्ट बना के दिखाते हैं ना विजिटरों को, सामने बना के दिखाते हैं, उनसे भी बनवाते हैं आर्ट, ये इसमें एक खासियत है। यहाँ एक रेल का इंजन है, मटका चौक है, डायनासोर है, तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अंकल ही यहाँ की सारी मेंटेनेंस देखते हैं, अंकल ही सारा यहाँ पे सफाई करते हैं, अंकल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। तो आप अंकल अपनी साइकिल के बारे में भी बताइए। हमारी ये जो साइकिल है ये 2021 के करीब हमें ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर ने बनने के लिए साइकिल दी, स्मार्ट सिटी ने, कि आप 20 फुट लंबी और 15 फुट ऊंची साइकिल बनानी है एक। तो वेस्ट मटेरियल जो इंडस्ट्री एरिए में पड़ा है, हमने एग्री हो गए जी और हमने वो साइकिल बनाई है, और अब वो साइकिल सरकार ने एक चौक पर लगाई हुई है चंडीगढ़ में, और जो कि बहुत बड़ी साइकिल है और अंकल की काफ़ी फेमस भी हुई है। हाँ जी हाँ जी, ये तो बहुत काफ़ी फेमस हुई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, मैं आपको सारा टूर देती हूँ यहाँ का। Thank you.
तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको जरूर उसके आंसर्स दूंगी। तो काफी लोगों को ये जगह ऑलरेडी पता होगी जो चंडीगढ़ में है, बट कई लोगों को अभी भी यहाँ का नहीं पता होगा। तो अगर आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ आके हैंग आउट कर सकते हैं और आपको ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, हाफ एन आवर या वन आवर में आप ये कवर कर सकते हैं। तो अंकल बहुत बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं एंड आई थिंक इतनी अप्रिसिएशन उनको मिलनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, दिस प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट। आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आइए, हैंग आउट कीजिए, पिक्स क्लिक कीजिए और डेफिनेटली यहाँ पर विजिट कीजिए। एंड यहाँ की टाइमिंग्स है 11 to 7, मतलब 11 AM से लेके 7 PM तक आप आ सकते हैं। एंड अगर ये गेट आपको बंद दिखता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बेल है उसको रिंग कर सकते हैं, तो कोई ना कोई बाहर आकर ज़रूर आपको आपके लिए डोर खोल देगा। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोज़ पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।